जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं आज आपको राम बदावर जी की कविता सुनाऊंगा। और राम बदावर जी की कविता मेरे को काफ़ी प्रेरित करती है और मुझे इतनी प्रेरित करती है कि आज मैं एक बड़े पहाड़ पर आ गया, एक दुर्ग पे आ गया उनकी कविता बोलने। तो सुनिए वीर रस से परिपूर्ण राम बदावर जी की माँ पद्मिनी के ऊपर ये कविता। रतन सिंह आज़ाद हुए तो खिलजी किससे आया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और मुगलियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। अरे गोरा बदल चाचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कता मर कर आए, जीत गई राजपूती और मुगलों के मुंड झुकाए। इधर नगाड़े बजे उधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। अरे बोला सेना से जाओ मुस्टंडो और मर जाना, अपने बेहुदे चेहरे अब मुझको नहीं दिखाना। अरे दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों कर्म ही मुक्की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार ना खींच सके वह राजा छुड़ा ले गए। तुम तलवार ना खींच सके वह राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, मैं घर में घुसकर मारूंगा। अरे हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बरछी उठवा लो, सारे तलवारें तीर कटारी पर धारे तुम लगवा दो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। अरे बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम तुम नहीं खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम, भनकना हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुष्ट सेना को रोका जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो आगे घुसाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जौहरी सैनिक बोले सभी का सहसा मन नुकलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर नहीं जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, और तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन छिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे और सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, वक्त अभी झुकने का है मेरे आका। झुक जाओ सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। तो चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए, इतनी है लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, और प्रभुताई से भी बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई। और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, किला जीत लेने वाली वह नित्य वह नीतियां गढ़ता, किंतु किले की इस जड़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना। दीवारें दुर्ग की धनक रही थी दंगल के चंगल में, और दुष्ट दारू लुक पाते मेवाड़ी मंगल में। जिधर देखते थे केवल रेत दिखाई पड़ता, किला नहीं था सन्मुख उनको काल दिखाई पड़ता। सुनो शस्त्रों संतर का सम्मान किले के ऊपर, और एक लिंग शिव महादेव वरदान किले के ऊपर। किला किला था केवल किला, किले का नाम नहीं था। तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली फिर धीरे से मुख खोले। बोले महाराज हुकुम, किले के बाहर काले घनछाए, खिलजी के काले सियार द्वारे तक चलाए। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज ये खबर रतन सिंह के उतरी नहीं गले से। थे महान बलवान पर दिल में खलबली मची थी, उस दिन रावल को सचमुच गोरा की कमी खली थी। ऐसा नहीं
कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि वह लड़ मरने का सपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मान में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि वह मृत्यु के डर से छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि मुगल सेना का पैरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल की तरकश में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुदा नहीं थी, बस केवल एक ही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त भेगा ये डर उनको टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्य का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से देते सुंदर सुख, कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में सोनित की दहार बहा करती है, बच्चे नाथ हो जाते हैं, बहुए विधवा हो जाती है, उसी दिन युद्ध की असली खबर मित्र नजर आती है। यही सोचते थे रावण कि दुनिया में युद्ध होगा तो अपनी बड़ाई होगी, और बड़ाई होगी तो ठकुराई होगी, और ठकुराई की कीमत सचमुच योद्धा ही होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं लड़ेंगे, जब तक युद्ध तले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे, जब तक युद्ध तले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। तो सभा बुलवाए गए, सारे मंत्री बुलवाए गए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है, रावल देर ना करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए देर मत करना, है सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। कोई बोला महाराज आदेश करो तो कर दे, एक बार फिर मुगलों में रजपूते लोहा भर दे, मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर और प्राण को अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु वही जब हम विपरीत परिस्थितियों से टल जाए, मृत्यु वही जब हमारा स्वाभिमान मर जाए। राजन क्षमा, मगर कहता हूँ कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो केवल मौन मृत्यु होती है, और योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है, तो फिर मौत खड़ी होकर उसका इंतजार करती है। रावल बोले चट्टाई योद्धाओं शस्त्र संभालो, करो भुजाली गर्व और फिर तोरी ढाल लगा दो, माना दुश्मन दिखरम संख्या में कम है, किंतु विजय या वीरगति चुनने में क्या कम है, चलो इनकी अंतिम अरदास मिटा कर आए, चलो समर में योद्धाई आग लगा कर आए, चलो समुद्रों में तूफानों से टकरा कर आए, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिला कर आए, चलो उन्हें बता दे युद्ध कैसे जीते जाते हैं, 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं, 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं, तो आज पुकारा मातृभूमि ने आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की क्या अद्भुत माया है, अरे आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, आज कालिका दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा का आज प्रसाद मिला है, इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना, याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए, और प्रतिशत आन बान पर दाग नहीं लग पाए, याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है, अरे विजय हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए, और वीरगति हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए। पहले कफन बांध लो सर पे, फिर भगवा चढ़ाओ, इस माटी की महाकाल को अंतिम भेद चढ़ाओ, अंतिम बार नमन कर लेना वीरो इस माटी को, अंतिम बार नमन कर लेना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार माँ भवानी के चरणों में बाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामी का, अंतिम बार करो हवन एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार एक दूजे को दे लो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें ये लड़ाई, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ अंत हुआ था पर उसको नंद कर डाला, पासाड़ी पद झटको झटके में वसंत कर डाला, मेवाड़ी दस संख्या में कम किंतु हौसले बागी,
एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की रागी, पुरुषों ने तो कफन संग केसरिया संग बंधवाया, इधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बंधवाया, ठाकुर ठकुरानी पासानी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। ठाकुर ठकुरानी पासानी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। तो योद्धाओं ने शस्त्र संभाले, जिंदड़ी घोड़ों पर माथे पर माटी लगवाकर हुई होड़ होड़ों से होड़ लग गई भाई जाकर दुश्मन दल में पहले कौन मरेगा, रक्त तिलक मिट्टी का जाकर कौन करेगा, सबसे पहले जाकर दुश्मन दल में कौन नचेगा, सबसे पहले खिलजी के छाती पर जाकर कौन नचेगा, सबसे पहले मातृभूमि का कौन दीवार करेगा, सबसे पहले मातृभूमि का कौन श्रृंगार करेगा। तो केवल मैं गूंज रही थी, हम तो शब्द नहीं था, सब नहीं हुंकार भरी थी, कोई निशब्द नहीं था। सारे महारथी और योद्धा पैदल घोड़े वाले, कुछ तो केवल 13-14 के प्यारे मत वाले, कुछ की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, पलटी उम्र दिखती थी, पर मूंछों पे धार दिए थे, कुछ तो पहले से घायल थे, लेकिन खड़े हुए थे मातृभूमि की रक्षा में, मरने कोड़े हुए थे। दृश्य देखकर रावल की आंखों में पानी आया, बहुत प्रयास किया तब जाकर शब्द कोई मिल पाया, द्रवित हृदय और गर्वित स्वर से फूटे शब्द पुकारे, जैसे कोई पिता अंतिम बार अपने पुत्र को पुकारे, जैसे स्वयं भगवान भक्त की भक्ति पर मन हारे, ऐसे रावल खड़े हुए थे अपनी वहां पंसारी। योद्धाओं तुम ही हो गौरव गान बचाने वाले, तुम ही हो मेवाड़ वंश का आन बचाने वाले, तुम ही हो रानी पद्मिनी की आन बचाने वाले, तुम ही हो भरत वंश का अभिमान बचाने वाले, तुम ही सत्य सनातन का यजगान बचाने वाले, नमन है तुम्हें पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले। तो राजपूत बोले राजन इसका अभिमान नहीं है, ये दायित्व तो हमारा है, कोई ऐसा नहीं है, अरे मातृभूमि हमारी तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हो संगड़ाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, अरे किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे, जगत में भरत वंश की ठकुराई के लिए लड़ेंगे। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन एक लिंग की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन, कल का सूरज दिखेगा इन दिलवालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले माँ के लालों का जलवा, कल का सूरज अंत दिवस रण उत्सव होगा, तलवार नंगी नाचे की भीषण उत्सव होगा, कल यदि काल आया तो से ताल भरेंगे इस माटी की महाकाल को, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। फाटक खुले किले भीतर से लावा फूट पड़ा था, और मुगलियों पर भूखे सिंहों सा टूट पड़ा था, पद झापों से उड़ती धूल धरती को गगन मनाती, मातृभूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य दिखाती, हर हर महादेव की धुन से कुंजित हुई दिशाएं, तभी अग्नि की तेज लपट से चलने लगी हवाएं, बड़े बड़े अकाल से हाथ मिलाने, सर पर कफन लपेटे आ चले आकेट खेलने एक लिंग के बेटे। आसमान विषमाणों को उगल रहा था और काल भी तीव्र गति से जीवन निगल रहा था, योद्धा अपनी योद्धाई का कर्तव्य दिखा रहे थे, माटी और लाल हुए सब सोनित मिला रहे थे, उस रोज रणभूमि में कईयों मौतें मरती थी, तलवार ढाल से टकराती थी, ठनकारें बढ़ती थी, उस रोज तामिनी भालों की नोकों से खेल रही थी और कालिका भी स्वयं स्वर्ग से रक्त होने की थी। रावल की तलवार चली तो बंद हो गई घड़िया, चारों ओर भिगी जिगी थी रक्त रंजित तड़िया, कहीं पर खटे सर कहीं पर पड़े मांस के टुकड़े, कहीं पर रक्त से सने अंग दिखते थे बिखरे बिखरे, कहीं पर गजानन घायल होके पस्त दिखाई देते, कहीं पर घोड़े बिना पैरों के पस्त दिखाई देते, कहीं कोई मृत्यु के भय से पवन समा भा रहा था, कोई कहीं दत्त हाथ पसारे खटको ढूंढ रहा था। तो स्वाभिमान की यह कथा रणमत कही जाती है,
उधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है, शाका इधर उधर जोहर, क्या तालमेल अलबेला, मातृभूमि की रक्षा में क्या खेल हुआ अलबेला। इस ज्ञान ध्यान के बाद जब हाथ एक लिंग के जोड़े, क्या लगी भवानी पहले लाल रंग के जोड़े, लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे, वो सारे श्रृंगार माता ने अंतिम बार किए थे, पहला श्रृंगार आंख में काले काजर की धार लगाई, आंसू झड़कना बड़े तभी लक्ष्मण रेखा बंधवाई, दूसरा श्रृंगार माता ने बिंदी को धारा, ऐसा लगा माता ने दिन का अतारा, श्रृंगार तीसरा होठों पर लाली को लगवाया, अग्नि तार से अदर होवे अग्नि कुंड ठहकाया, श्रृंगार चौथा श्रृंगार मात पद्मनी का आज विश्व ने देखा, जब माँ ने माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा, श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी से बोल रहा था और स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में खोल रहा था, छठवा श्रृंगार कन कुंडल मनमाने लटक रहे थे जैसे कि कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे, श्रृंगार सातवा सातना क्या नथली क्या मर्यादा थांक रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी, श्रृंगार आठवा स्वाभिमान की रेखा ढाप रहा था और मर्यादा के दर्शन को बाहर जाग रहा था। तो सजी मात पद्मनी संग 16,000 दीवानी, तभी हवाएं बोलने लगी जय जय मात भवानी, चलिया जालो चिक ढंग से चित्तौड़ी ठकुरानी, चलिया जाकाश छेदने स्वयं पद्मनी रानी, अरे अब तक रण में राजपुतानी खेला आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जोहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता उन ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती वो कन्याओं की अटखेनी, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योथानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मनी रानी।